अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह से दुआ है कि सब खैर आफियत से हों। आज की वीडियो में आपके साथ फ्रॉक के डिज़ाइन शेयर करूंगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। इस वीडियो में आपको ड्रेस की पूरी डिटेल नज़र आएगी कि कौन से फ्रॉक पर कैसा वर्क किया गया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिस ना कर दें। ये देखें कितना खूबसूरत पीच कलर है, इसका काम भी वाज़ह तौर पर आप देख सकते हैं। मेरी इस वीडियो में जितने फ्रॉक्स हैं आप उनका काम वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। ये देखें इसका काम भी वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि इस पर किस तरह का वर्क किया गया। शीशे का वर्क किया गया फ्रॉक पर, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आजकल शीशे वर्क भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप इन ड्रेसेस को ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये सारे फ्रॉक शिफॉन फैब्रिक पर हैं। शिफॉन फैब्रिक बहुत ही प्यारा फैब्रिक होता है, इसके सारे कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखें ये भी ऑरेंज कलर में है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। ये देखें इस पर भी देखें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है। इस पर शीशा वर्क किया गया है। आजकल आगे शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो आपको लाजमी रेशमी ड्रेस बनवाने पड़ेंगे, तो आप मेरी इस वीडियो से बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं और अपने लिए प्यारे प्यारे फ्रॉक बनवा सकते हैं। आजकल लॉन्ग फ्रॉक तो वैसे ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और इस तरह के फ्रॉक पहने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखें ब्लैक कलर है, इस पर भी बहुत अच्छा वर्क किया गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। काम भी इसका बहुत वाजिया तौर पर आप देख सकते हैं, मैरून और साथ कंट्रास्ट बढ़ता है, ये भी बहुत ही अच्छा आइडिया है। टाई एंड डाई का है, टाई एंड डाई फिर ट्रेंडिंग में आ गए हैं और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है टाई एंड डाई कुर्तीज़ की, आप मेरे चैनल पर जाके वो भी देखें ज़रूर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप तक मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलूँगी अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।